हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो पहले नहीं हुआ करती थी, वो है आपकी किडनी प्रॉब्लम। हाँ जी, किडनी फेलियर, किडनी में स्टोन, किडनी की डायलिसिस, किडनी थोड़ी डैमेज हो जानी, ठीक है, किडनी का काम ना कर पाना, ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है आजकल के हमारे जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें। पहले तो लोग इस बारे में सुनते थे कभी, हाँ भी उसको हुआ था, पर आजकल है कि इसको भी हो गया, अरे इसको भी हो गया, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। तो अब इसका रीज़न क्या है कि ऐसा अभी हम क्या करने लग गए हैं, ऐसा हमने क्या अपनी लाइफ में ऐड कर लिया है कि हमारी किडनी डैमेज हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आजकल देखते होंगे आपकी काफ़ी अस्पतालों में लाइनें लगी होती है, लोग करोड़ों लाखों रुपए लेके खड़े रहते हैं कि भाई हमारे को किडनी दे दो, प्लीज़ किडनी का जुगाड़ करा दो, पर आपको पता है ऐसी चीज़ें जल्दी अवेलेबल नहीं होती हैं कहीं भी, ठीक है। तो गलती कहाँ हो रही है वो बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। तो मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं माई लाइफ माई वे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किडनी में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है आजकल के लाइफस्टाइल में, और वो कौन से आपको दो घरेलू उपाय बताने वाला हूँ मैं जिससे कि क्या है कि आपकी जो किडनी की फंक्शनिंग है, जो किडनी डैमेज हो गई है, वो रिकवर हो जाएगी। हाँ जी, तो आप किडनी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किडनी आपकी डैमेज क्यों हो रही है। इसका एक ही रीज़न है। क्या वो रीज़न है? कि जो हम आजकल खा रहे हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल में जो भी हम डेली यूज़ में हम उसको ले रहे हैं, बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें है जहर। हाँ जी, आपको पता है कि आजकल जो भी फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, उसमें बहुत ही भयानक भयानक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनको कीड़े से बचाने के लिए पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। उसकी कोई भी अमाउंट हमारी बॉडी में अगर जा रही है तो वो सीधे सीधे हमारी किडनी को डैमेज करती है। कैसे? किडनी का हमारा क्या बॉडी में रोल है कि किडनी हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है, ताकि हमारा जो ब्लड है वो प्यूरीफाई फॉर्म में रहे और कहते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में जाए। पर अब जहर जा रही है और उस पर अटैक कर रही है, अब किडनी भी छोटी छोटी होती है यार, कितना सहेंगी, है ना? आपको पता है कुछ उसका भी कुछ परसेंटेज होता है कि हाँ भी इतना ये डेली में इसको आपके ब्लड को प्यूरीफाई कर सकती हैं, पर अब जब भी हम खा रहे हैं तो जहर ही अंदर जा रहा है, तो यार किडनी भी कितना करेगी, कितना झेलेंगी यार, बेचारी नन्नी सी जान क्या क्या करेगी, है ना। और इसके बाद अगर हम इससे बच जाते हैं तो अब क्या, दूध पी रहे हैं, दूध में केमिकल है, यूरिया, डिटर्जेंट, पता नहीं क्या क्या मिला के नकली दूध आता है मार्केट में, ठीक है। अब पानी पी रहे हैं, अब पानी भी कहाँ से, अगर ग्राउंड वाटर ले रहे हैं आप तो नदी नाले हमारे इतने गंदे हो चुके हैं कि वहां से भी जो हमारा जहर है वो पानी में आ ही रहा है और हमारी बॉडी में जा रहा है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमारी जो है किडनी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है, और उनकी जो कैपेसिटी है, जो उनके फंक्शनिंग है, वो कमज़ोर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे दो घरेलू नुस्खे जिनको आप पिए, मैं बोलता हूँ आप इनको ट्राई करें जरूर, और आपकी जो किडनी है वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी, जो भी उसको डैमेज हो रखा होगा उसके नेफ्रॉन्स, जो नेफ्रॉन से बनती है किडनी, ठीक है, तो उससे क्या कि वो भी जो डैमेज हो रखे हैं वो रिकवर हो जाएंगे आपके। मैं आपको दो नुस्खे बताऊंगा आपको क्या करना है उसको। एक वीक में कोई भी मान लो एक दिन ले लेना है आपने, जैसे मान लो संडे, मान लो संडे को आपने वो पहली जो रेसिपी है वो संडे को ट्राई करनी है और जो दूसरी है वो अगले संडे को, मतलब अल्टरनेटिव में रखना है उसको, ठीक है। और आप इसको 2 महीने अल्टरनेटिव में रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप 15-15 दिन अल्टरनेटिव में कर सकते हैं इसको, कि आपकी जो गारंटीड है कि आपकी किडनीज सही हो जाएंगी। तो हम बात कर लेते हैं अब रेमेडीज़ के बारे में, वो आप कैसे बनाएंगे। तो इन रेमेडीज़ को तैयार करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़े, ठीक है, लोगों के रिव्यूज़ पढ़े। तो आयुर्वेदा में हमारे को 2 रेमेडीज़ दी गई हैं स्पेशली हमारी किडनीज़ को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, उनकी डैमेज को रिकवरी के लिए। तो पहली रेसिपी कैसे बनाएंगे आप, पहली जो रेमेडी है उसको बनाने के लिए आपको चाहिए धनिया। हाँ जी, फ्रेश धनिया लेंगे आप, उसको डालेंगे 2 गिलास पानी में, उसको डाल के उसमें आधा नींबू डालना है आपने, वो स्क्वीज नहीं करना है, छिलके के साथ उसको डालना है, आधा कट करके पूरा आधा नींबू उसमें डाल देना है छिलके के साथ में, और उसमें डालना है जीरा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपने उबालना है जब तक कि 2 गिलास पानी का 1 गिलास पानी नहीं बन जाता, ठीक है, उसे तक बॉयल करते रहना है आपने, और उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा पीने लायक वार्म कर लेना है और उसको आप पी लेना है। इसको ये ऐसी रेमेडी है ना यार, इसको आप जब पियेंगे ना तो आपकी जो नेफ्रॉन्स है बॉडी के, जो आपके जो किडनीज में जो उसको बनाते हैं नेफ्रॉन्स, उनकी जो है कि एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो डैमेज हो गए होंगे उनको ये रिकवर करता है, और आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग, जो जो एनर्जी लेवल है वो एकदम हाई हो जाएगा। आप इसको 2 वीक पियेंगे ना लगातार, जब भी आप पियेंगे
संडे टू संडे आपको खुद ही इफेक्ट पड़ता लग जाएगा और आपको पेशाब जो मतलब जो यूरिनेशन है वो आपका सही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये आपकी जो किडनीज की फंक्शन को प्रॉपर रोटेट कर रही है और जो भी पॉइजनस जो भी फूड आपकी बॉडी में जा रहा है वो उसको अलग कर देगी और एक्सट्रीट आउट कर देगी आपकी बॉडी से। ठीक है, ये थी पहली रेमेडी। अब आपने मान लो इस संडे उसको पीना है तो आपने सवेरे इसको बना लिया, अब जो नेक्स्ट संडे आएगा उसको वो दूसरी रेसिपी आपको अल्टरनेटिव में लेना है, तो दूसरी रेसिपी कैसे बनानी है आपने? अब आप जानते होंगे उसमें क्या है कि आपको भुट्टा लेना है। हाँ जी, भुट्टा अब बोलते हैं जिसको, ठीक है, आपको बोलते हैं कॉर्न, उसके ऊपर बाल होते हैं जो आपने देखा होगा, देखो ये फोटो में आप देख रहे होंगे इसके ऊपर बाल लगे होते हैं कॉर्न के ऊपर, तो यही बाल है वो चमत्कारी रेसिपी में। ठीक है, आपने वो बाल निकालने हैं। ठीक है, आप चाहे तो किसी दुकानदार जहाँ पे भुट्टा बेचता होगा उससे भी जाकर ले सकते हैं, उसके सारे बाल आप ले सकते हैं वहाँ से और उसको रखते हैं ड्राई करके स्टोर के, रखते हैं, खराब नहीं होता ये, आपकी जो जो रेमेडियाँ बनाएंगे उसमें आगे तक भी काम आने वाला है। ठीक है, तो आपने वो बाल लेने हैं, आपने उनको बढ़िया धो के उनको ड्राई कर लेना है आपने, फिर उस वो डालना है आपने 2 ग्लास पानी में उसको डालना है, साथ में डालना है आपको नींबू कटा हुआ। ठीक है, स्क्वीज नहीं करना, उसको छिलका डाल देना है, उसको उसको भी बॉयल करना है आपने जब तक वो 1 ग्लास पानी ना बचे, फिर आपने इसको पीना है। ठीक है, तो एक संडे आप इसको पियेंगे, फिर जब नेक्स्ट संडे आएगा तो आप दोबारा से वो धनिया वाला अपना जो रेमेडी है वो करेंगे, तो ऐसे ही आपको रोटेशन में उसको 2 महीने तक पीना है। आप ये रेमेडी ट्राई करेंगे और आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितना चेंज आ गया, आपकी जो यूरिनेशन है आपका, ये कहते हैं जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, आपकी जो भी एनर्जी लेवल है, आप बिल्कुल भी इसमें कहते हैं टेंशन में नहीं रहेंगे यार कि हमारी कि हम गलत चीज खा गए, हमारी किडनी में प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है बंदे को एकदम से पेट में दर्द होती है और वो जाता है और चेक कराता है तो पता लगता है कि यार तेरे को तो स्टोन हो गया है, कई जाता है कोई चेकअप कराते पता लगता है यार तेरी जो किडनी डैमेज हो गई है, कई लोग डायलिसिस हो जाते हैं। तो आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं लगने वाली है, आपको आप जो भी हैं आप नॉर्मल पर्सन भी आपको क्या है कि आपको ये रेमेडीज आपको ट्राई करनी है। ठीक है, आप इसको 2 मंथ तो इसको पिए जो भी आपकी किडनी डैमेज हो रखी है उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो ये थी वो घरेलू नुस्खे जिससे आप अपनी किडनीज को जो भी आपकी उसको हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, जो डैमेज हो चुका है उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अब जिसकी खराब होगी उसको तो हम कुछ नहीं करते, पर जिनकी सही है उनको हम बचा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको इस वीडियो से मिला होगा। तो इन रेमेडीज को ट्राई करें और अपनी किडनीज को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें, ताकि आप भी हेल्दी हो सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।